मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराहटें मुझे थोड़ी कम दिखाई दे रही हैं। और भाई हमारा तो नियम है, जब तक एक मुस्कुराहट नहीं होगी अच्छी सी, कार्यक्रम हम शुरू नहीं करते हैं। तो जब तक मुझे पहली पंक्ति से लेकर दूसरी, तीसरी और अंतिम पंक्ति तक मुस्कुराहटें नहीं दिखाई देंगी, लखनऊ में होने का आनंद नहीं आएगा। चलिए अब दिख रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और हमारे गेस्ट मंच पर आसीन हैं। मैं बातचीत की शुरुआत करूंगी, और आज इस सेशन से आप क्या लेकर जाएंगे घर, बहुत सारा मोटिवेशन का टॉनिक, बहुत सारा चैलेंजेस से कैसे निपटकर जीवन में आगे बढ़ना है, और जिनकी दिलचस्पी नौकरी छोड़कर अपना वेंचर शुरू करना है, कारोबार शुरू करना है, उसकी इकाई क्या हो सकती है, कैसे आप उसे शुरू कर सकते हैं, सीधे एक्सपर्ट के साथ वो बात होगी। मुझे लगता है तालियां जो बजी हैं और बहुत सारे एक्सप्रेशन जो मुझे अभी अलग अलग लोगों के चेहरों पर दिखाई दे रहे हैं, वो अपने आप ये बताने के लिए काफी हैं कि आपकी अचीवमेंट्स ने लोगों के ऊपर क्या प्रभाव छोड़ा है। और आज मैं आप सबके साथ एक कोट शेयर करना चाहती हूँ, जो आसिफ जी अक्सर कहते हैं अपने कुछ इंटरव्यूज में भी, उन्होंने इससे पहले कहा है कि देखने के लिए आपको साइट की जरूरत नहीं होती, नजर, विजन चाहिए होता है, दूर की दृष्टि चाहिए होती है, और वो आसिफ जी के पास है। आपसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ, अब कोई उपलब्धि बची है जो आपको अभी भी हासिल करनी है? बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हिमांशु गौतम एंड अमर उजाला टीम को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और आपके पास मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है, और सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के लिए। अभी जैसे मेरा, मैं प्रोफेशनल्स हूँ, कंसल्टेंट्स हूँ, और मैं आप जैसे देख रहे थे, पर जो मेरा नेक्स्ट मिशन है, जो वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड करना है वो नेक्स्ट ईयर, और आप सबों की शुभकामनाएं चाहिए। तो दैट इज वन मिशन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। बट बिफोर दैट, ये आप अभी देख रहे हैं, बट यहां तक कि आने की जर्नी बहुत बहुत ही दर्दनायक, बहुत ही ऑब्स्टिकल्स, बहुत ही चैलेंजेस। मैं भी एक भागलपुर, छोटी सी टाउन बिहार में बड़ा पला, यूपी का पड़ोसी स्टेट, बट वहां पे जब मैं था तो मुझे कभी दिखाई नहीं देता था, और मैं स्कूल जाता था, और आज भी मुझे याद है वो हमारे टीचर्स जिनको आता नहीं था, और उनकी एक ही परसेप्शंस थी कि ये जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जब घर आते थे तो हमारे रिश्तेदार दोस्त हमारे अब्बू अम्मी के लिए, पापा अम्मी के लिए फील करते थे कि यार ये एक समाज पे बोझ, ये बेचारा, और उन्होंने ओपनली ऐसा बात करते थे जैसे मैं कोई एग्जिस्ट हूं, मैं कोई समाज पे बोझ हूं, और बोलते थे इनका किस्मत ही खराब हो गया। बट हमें आज भी याद है कि जब हमारे प्रिंसिपल ने बुलाया करते थे हमारे पापा को और हमारे अंकल को, और उनसे एक ही कर देते थे कि हे, इसको लेके जाइए, ये पूरी माहौल खराब कर रहा है। आशीष जी, एज क्या थी उस टाइम आपकी? उस टाइम में मैं सिर्फ 7 साल या 8 साल का था। तो 7-8 साल से आप ये बातें जो है फैमिली सर्कल में जो लोग आ रहे हैं उनसे सुनते आ रहे हैं, या समाज के लोग आके ये बातें बोल रहे हैं? जी। 7-8 साल के एक बच्चे को? जी। कैसे फाइट बैक किया आपने इससे? जी, हम तो उस टाइम में शायद एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद मैं पढ़ाई के लिए बना नहीं हूँ, शायद ये लोग सब सच बोल रहे हैं, कि जैसा आपको एनवायरमेंट फीड देता है। तो हम, मैटर ऑफ फैक्ट, क्लास 2 में भी फेल किया, 2 साल रिपीट किया, क्लास 4 में भी फेल किया। मीनाक्षी जी, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट तभी आए जब मैं अमेरिका चला गया। मेरे ताऊ जी जो हमारे बड़े अब्बू, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उन्होंने शादी की थी एक वाइट अमेरिकन से, तो वो जब हॉलीडे पे आए थे तो उन्होंने देखा, मेरे पापा को बोला कि मैं इसे ले जाना चाहूंगी, आपकी इलाज भी हो जाए और पढ़ाना चाहती हूँ। और आपको मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट वहां पे हुआ कि जब मैं वहां पे गया, ना ही मुझे अंग्रेजी आती थी, ना ही मुझे अमेरिकन का कोई कल्चर के कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। और एक ही दिन हमें याद है कि आज भी वो दिन याद है जब मैं, मुझे पी फिजिकल एजुकेशन क्लास के लिए मुझे रेस दौड़ने को कहा गया, और मैं ऑफकोर्स मोटा था तो मैं लास्ट पर्सन आया, तो मेरे टीचर ने कहा सन आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। हमें लगा कि ये फिर हमारे मजाक उड़ाएंगे, पर उन्होंने कहा कि तो हम जानते ही कि तुम्हारे लिए पहली बार था,
लेकिन तुम अगर मेहनत करोगे तो तुम बहुत अच्छा करोगे. एंड दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट फॉर मी. आपका वजन कितना था उस समय? जी मुझे याद नहीं है, बट मुझे इतना याद है कि मुझे खाना बहुत प्यार था और अभी भी है. नहीं, लेकिन आगे हम इन चैलेंजेस पर और बात करेंगे. लेकिन जिस बात का जिक्र अभी आसिफ जी कर रहे थे कि घर में कोई आया कुछ ताने देकर चला गया, समाज में कोई मिला कुछ ताने देकर चला गया, और उस समय हमें भी ये लगा कि शायद यही सच है, हमने उसे अपनी किस्मत मान लिया. लेकिन फिर जीवन में जैसे जैसे अगले पड़ाव आते गए, आपने कैसे उसे फाइट बैक किया और वहां से आगे चलकर अपनी किस्मत के सहारे, अपनी मेहनत के बूते आज इस मंच पर जब मौजूद हैं, तो उनके पास बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं आपको बताने के लिए. लेकिन अब मैं अपने अगले गेस्ट की तरफ भी जाना चाहूंगी. राधिका जी, 33 साल की उम्र में सीईओ हो जाना, पाकिस्तान में जन्म हुआ, अमेरिका तक पहुंची, वहां पढ़ाई की, अपनी कंपनी बनाई, और 33 साल जितनी कम उम्र में एक सीईओ हो गई. कई रिजेक्शंस झेले इंटरव्यूज से लेकर कई और प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन फिर भी मन में ये हौसला था कि कुछ करके दिखाना है, अपने बूते कुछ करना है. और मुझे लगता है रिसेंटली आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको शार्क टैंक जैसे कार्यक्रम में जज की भूमिका में भी देखा होगा. लेकिन मैं आज एक अलग इंट्रोडक्शन राधिका जी का देना चाहती हूँ. राधिका जी, आपको पता है कि आप इंटरनेट में एक सेंसेशन बन चुकी है, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में लोग आपको देख रहे हैं, आपकी रील्स जो है वो मिलियंस में वायरल हो रही है. आइडिया है आपको इस स्टारडम का? Yeah, you're just trying to be modest as of now, कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. अंदाजा है कुछ? थोड़ा-थोड़ा होने लगा. थोड़ा-थोड़ा है. अपने ही फोन में जब अपनी रील आ जाती है जिसमें राधिका जी किसी के साथ इंटरव्यू में बोलती हुई दिखाई दे रही है, वो मोमेंट कैसा लगता है? और नीचे साथ में करोड़ों व्यूज भी दिखाई देते हैं. तो अगर मैं बचपन की खुद को याद करूं, व्हेन आई सी दीज रील्स, मैं ये फोटोएं देखती हूं. अभी हाल ही में मैं अयोध्या में थी तो लोग फोटो लेने आते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं वो लीस्ट लाइकली पर्सन हूँ जिसकी कभी कोई इंटरनेट पे रील जा सकती थी, क्योंकि बहुत हिंदुस्तानी लड़कियों की तरह मैं एक बहुत रिजर्व्ड और शाय इंडिविजुअल थी. मुझे लगता था लोग मेरे से ना बात करें, मैं किसी से ना बात करूँ. तो आई थिंक इससे एक सीख है कि जिंदगी आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है, आप उसका अंदाजा नहीं रख सकते. मुझे लगता है कि अगर आप कुछ करना चाहें, आप कुछ बनना चाहें, तो सारी कायनात कंस्पायर करती है कि आप वो बन सकते हैं. और आप कहाँ तक जा मैंने अभी आसिफ जी की कहानी सुनी, मेरी किताब का टाइटल लिमिटलेस है, इनकी तो कहानी वर्चुअली ये लिमिटलेस इंसान क्या होते हैं वो तो हमने अभी सुना है. लेकिन मुझे लगता है हर इंसान एक्चुअली लिमिटलेस है. और मैं खुद को देखती हूँ तो समटाइम्स आई लाइक कि मेरे साथ कैसे हो सकता है. लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि मैं एक ऐसी शाय सी लड़की थी जो किसी से बात भी नहीं करना चाहती थी और ना ये चाहती थी कि वो मुझसे बात करें. वहां से लेकर आज अमर उजाला संवाद के मंच तक पर होना, ये जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म हुई? तो सबसे पहले जहां पे पब्लिक स्पीकिंग भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो सबसे पहले तो आई थिंक बहुत बहुत शुक्रिया अमर उजाला का, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह बोला है, बहुत सारे भाषण दिए हैं, बहुत सारे संवादों में हिस्सा लिया है. लेकिन बहुत लोग शायद जानते नहीं है या इतना पब्लिक नहीं है कि मैं यूपी की लड़की हूँ. तो मेरे लिए यूपी में आना और मुख्यमंत्री के साथ उनकी बातें सुनना और अमर उजाला के स्टेज पे आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो उन्होंने कहा, यूपी का बदलाव मैंने अपनी आंखों से देखा है बचपन से, और आज के यूपी में मैंने ये बदलाव देखा है. तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे अपने होम स्टेट में आके बोलने का आपने ये मौका दिया है. जहां तक अपने सफर की बात करूंगी, मैं सिर्फ दो बातें कहूंगी. मेरे पापा गंगो के हैं, सहारनपुर यूपी से, मम्मी मुजफ्फरनगर की हैं, और उन्होंने एक बात हमेशा कही है कि इंसान अपने हालातों से डिफाइन नहीं होता, अपनी मेहनत से डिफाइन होता है. उन्होंने अंग्रेजी शायद 19 साल की उम्र में सीखी, लेकिन फिर भी IAS ऑफिसर बने. मैं पहली थी जो US में पढ़ाई करने गई, पहली हूँ जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हूँ. तो इंसान अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर सकता है. दूसरा है, और जो हम यूपी में भी देख रहे हैं, एक बदलाव को स्वीकार करने की जरूरत होती है. क्योंकि हम लोग, जैसे कि आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, हम लोग हर 3 साल देश शिफ्ट करते थे, कभी पाकिस्तान कभी नाइजीरिया. और
बहुत आसान सी चीज है कि जहां आप हो उसके बारे में कंप्लेन कर सकते हो, अरे मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। लेकिन मेरे पापा कहते थे चाहे आप पाकिस्तान में हो चाहे आप अफ्रीका में हो, वो 3 साल आपको सबसे खूबसूरत साल बनाने हैं, आपके जो कंट्रोल में है ना आपको वो करना चाहिए और हमेशा एक उम्मीद लेके आगे बढ़ना चाहिए। उनकी एक बहुत फेवरेट कविता है, उसकी लाइन मैं आपको दो बताना चाहूंगी कि नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। क्या बात है। और आपको कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, आप दिशा को बदलो तो आपके किनारे बदल जाते हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने यूपी में बदलाव का जिक्र किया और आपने कहा कि जो यूपी आपने पहले देखा है बचपन में देखा है, आज का यूपी उससे अलग है। अगर कोई एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल आप इसमें देना चाहें जो आपको एक मेजर शिफ्ट, एक मेजर चेंज दिखाई देता है। अरे मैं कितने एग्जाम्पल दे सकती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड यूपी के नहीं है, लेकिन पिछले 3-4 महीने में मुझे बड़ा लगा कि मैं उनको थोड़ा यूपी घुमाऊं, तो हम बनारस गए थे और नया जो काशी कॉरिडोर बना है, मैं हमेशा टूरिज्म की बात करती हूँ, टूरिज्म के इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात करती हूँ, क्या बना है, इट इज अ वर्ल्ड क्लास पीस ऑफ टूरिज्म। कल हम लैंड हुए अयोध्या एयरपोर्ट पे, क्या शानदार एयरपोर्ट बना है अयोध्या में। और हाल ही में मैं यहाँ बोल रही हूँ, इनका पास में लूलू मॉल है जो कि मैं सुन रही हूँ एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल्स है। मेरा 1.5 साल का बेटा है वो अभी लूलू मॉल में टाइम बता रहा है। एंड आई थिंक द लास्ट थिंग इज, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, बट एस्पिरेशन की, जो युवा एस्पिरेशन है उसकी बात कर रही हूँ। आपने शार्क टैंक का जिक्र किया, काफी लोग मुझे शार्क टैंक की उससे जानते हैं। अभी फ्राइडे में हुए हुए शार्क टैंक एपिसोड में मैंने एक कंपनी में निवेश किया, टू हैंड्स, उसका फाउंडर एक यूपी का लड़का है जो 22 साल का लड़का है। 22 साल का यूपी का लड़का 6 सालों से स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में जाके उनकी प्रॉब्लम समझ के दुनिया का पहला स्मार्ट कैलकुलेटर बना रहा है दुकानदारों के लिए। ये यूपी का लड़का है, तो ये एस्पिरेशन की कहानी है यूपी की। और देखिए, ये जब हम सपनों की, हम अक्सर अपने देश के लिए कहते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी, अगर मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूं कि कोस कोस पर पानी के साथ साथ सपने से लेकर, एस्पिरेशन से लेकर, चैलेंजेस से लेकर और भी बहुत सारी चीजें बदलती हैं, तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जय कुमार गंगाधरन जी, देखिए लूलू मॉल का जिक्र यहाँ पर आ गया है, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो नाम ना जानता हो, ऐसा कोई शख्स यहाँ बैठा नहीं होगा जिसने वहां से शॉपिंग ना की हो। लखनऊ आना है तो मतलब उस मॉल जाना है, उसके आगे एक सेल्फी लेनी है जो एक स्टेटस सिंबल के रूप में भी दिखाई देती है कि हाँ जी लैंडमार्क है, लखनऊ गए थे। तो जो मैंने शुरू में कहा ना, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, वहां तक बात सीमित नहीं है, लूलू मॉल से जाकर कुछ खरीदना है ये भी। और अक्सर न्यूज में हम लोग कई बार दिखा चुके हैं कि आज भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ये जो फुटफॉल है वहां पर, ये ऐसी कौन सी आप लोगों ने तरकीब भिड़ाई है कि इतने लोग वहां पहुंचते हैं और एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आज की तारीख में नए उत्तर प्रदेश में, बदलते उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ लूलू ग्रुप की ये चेन चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अमर उजाला समाज, मेरा थोड़ा टूटा फूटा हिंदी है, आप लोग समझ लेना। जैसे आप लोग को जिक्र किया गया हुआ है लूलू मॉल की, पहले भी जैसे हम लोग शुरुआत किया था, सबको एक कंफ्यूजन नहीं थे कैसे होगा, क्या है क्या नहीं है। अभी जैसे हम लोग लूलू मॉल लॉन्च किया 2022 जुलाई 10 को, आज तक जैसे लखनऊ की एक तिलक है, जैसे लोग हो जाते हैं आज की दौरा पे 55,000 मोर देन फुटफॉल इज कमिंग एवरी डे। उसमें अभी हमने भी अभी जिक्र किया हुआ है, इट्स अ काइंड ऑफ डेस्टिनेशन मॉल, जैसे बहुत सारा लोग नियर बाय डिस्ट्रिक्ट से भी आ रहे, नियर बाय स्टेट से भी आ रहे, और नेबर कंट्री नेपाल से भी लोग बहुत आभारी से उन लोग आते रह रहे। और भी हम लोग जो उसमें कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप लोग की सब सोच ऐसे ही है, जैसे एक फैमिली आ गया तो उनको बच्चों के लिए खेलने के लिए उनका व्यवस्था है। अपने जो हाइपर मार्केट है, आज की इंडिया में सबसे बड़ा फ्लोर प्लेट में हम लोग अकोमोडेट किया हुआ है, वो किसी का पास नहीं है।
जैसे अपने मॉल लेके, मॉल भी है 22,000 स्क्वायर फीट, 22 लाख स्क्वायर फीट की एरिया हम लोग बिल्ड किया हुआ है, जैसे उसमें 350 मोर देन 350 ब्रांच आर देयर। अभी जैसे आपको अभी एक जगह पे आ गया तो सारा वन रूफ में, अंडर वन रूफ में आपको अवेलेबल है। अच्छा ये बताइए, ये कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए कि लखनऊ जिसकी अपनी एक लेगेसी है, उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हर क्षेत्र का अपना एक अलग नेचर है, अपनी अलग परंपरा है, वहाँ का एक कल्चर है, ट्रेडिशन है, तो जो यहाँ का पुरातन हिस्सा है, जो प्राचीन हिस्सा है, उसके साथ में आज के नए को साथ लेकर चलना, ये कैसे आप लोगों ने बैलेंस इस चीज के लिए बिठाया, या क्या इसके लिए कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, या कोई वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर था इसके लिए? डेफिनेटली मैम, बिकॉज़ एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर द हैप्पीनेस। सब लोग इसका पहले भी आप लोग ये बैठ में पूछ रहे थे, आप लोग को कितना हिम्मत हो गई थी ये जैसे प्रोजेक्ट लुलू में आके रखने के लिए, लुलू में जो जैसे यूपी में आकर के इंस्टॉल करने के लिए। जैसे नंबर वन है यहाँ की जो पॉपुलेशन है, 25 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन है यूपी में, उसपे 1.5 से 2 करोड़ तक लोग लखनऊ में भी उपस्थित है, उसमें अभी इससे ज्यादा अभी उन लोग बाइंग के लिए जाते तो बैंगलोर, दिल्ली, ये जगह पे उन लोग अप डाउन करते थे। आजकल लखनऊ की जनता के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता है ही नहीं है। So we are 100% we are providing that the international experience in UP itself. That is the main strategy we are just applying for. Kashi bhi ja rahe hain aap log ab? Varanasi bhi ja rahe hain aap log ab? Nahi, agar jo expansion ke bare mein batayega to jaise Varanasi hai, Prayagraj, Kanpur, Gorakhpur, ye main city mein hum log focus kar rahe hain. Abhi already hum log 3 jagah pe land finalized, almost 90% is finalized kiya hua hai, uska jo due diligence wagera कर रहे हैं। चलिए ये तो बात हो गई एक बड़े स्तर पर जब योजनाएं बन रही हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, लेकिन मैं राधिका जी फिर लौटूंगी आपके पास इस चीज के लिए, क्योंकि जो मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी बात बोली थी कि 33 साल की एज में आप सीईओ हो गई कंपनी की, और उस कंपनी का टर्नओवर मतलब हेडलाइंस पर हेडलाइंस उसको लेकर छप रही है। आज की तारीख में अगर मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सा सवाल दूं, क्या आपको ये लगता है कि 33 साल से भी कम की एज में सीईओ होने की प्रोबेबिलिटीज और संभावनाएं हो सकती थी, या आज की किसी लड़की के लिए हो सकती है? आज की लड़की की तो बिल्कुल होंगी, क्योंकि अगर आप देखें आज का जो युवा है, लड़का लड़की, मैंने अभी आपको एक शार्क टैंक का एग्जांपल दिया, उसमें किसी ने उससे पूछा था तो 22 साल का लड़का है, तेरे को-फाउंडर 35 साल के हैं, तेरी बात सुनते हैं? उसने कहा हाँ जी बिल्कुल सुनते हैं। तो आज का जो युवा है वो जिस एक्सपोजर में, वो जिस यूपी में, वो जिस भारत में बड़ा हो रहा है, वो मेरे वाले भारत से बहुत अलग था। मैं उस भारत में बड़ी हुई थी जहां 10 साल आप स्कूटर लैंडलाइन का वेट करते थे। आज का तो बच्चा वो है जिसके हाथों में मोबाइल फोन है। मैं उस भारत में बड़ी हुई थी जहां शायद हम बारबी की या गुड्डा गुड्डी की कहानियां देखते थे या कार्टून नेटवर्क देखते थे 8 साल का बच्चा। आज 8 साल का बच्चा शार्क टैंक देखता है, बिजनेस बनाना सीखता है। तो जब वो 22 साल का बच्चा होगा, लड़का या लड़की, तो वो जरूर सीईओ बनेगा, क्योंकि उसकी बिजनेस की तरफ रुचि, बिजनेस की तरफ समझ, बिजनेस की तरफ कॉन्फिडेंस मेरी जनरेशन से बहुत ज्यादा होगी। आपने रील्स की बात की, तो मैं जब पॉडकास्ट करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आते हैं कि मैं सहारनपुर की लड़की हूँ, वो भी सहारनपुर की है, मैं तो बड़े होके सीईओ बनूंगी, जहां आप बैठी हैं मैं तो वहां बैठूंगी। तो एक्सपोजर भी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस भी ज्यादा है। तो मुझे तो लगता है लोगों को मेरे से मुकाबला ही नहीं करना चाहिए, वो बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि वो एक अलग भारत में पैदा हुए हैं। वक्त बदल रहा है और परिस्थितियां और अपॉर्चुनिटीज भी। अच्छा यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, एक बार मुझे हाथ खड़े करके बताइए आप में से कितने लोग जॉब्स में हैं, जॉब्स में कितने लोग हैं? ओके, बस कम है संख्या। अपना काम कितने लोग कर रहे हैं? काफी लोग, तो हाथ ज्यादा मुझे उनके खड़े दिखाई दिए जो अपना काम कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज ये बताइए राधिका, बहुत स्टडीज भी इस चीज को लेकर हुई है कि जॉब्स में लोग खुश नहीं है, या लोग जॉब्स छोड़कर अपना काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। ये मैं एक तरह से टिप भी चाहूंगी आपसे उन सब लोगों के लिए जो आपका ये इंटरव्यू, ये सेशन इस वक्त सुन रहे हैं, जो लोग नौकरी छोड़कर अपना काम करने के बारे में विचार बना चुके हैं, उनके पास एक आइडिया है, एक प्रोडक्ट है,
हाउ शुड दिस स्टार्ट, या कैसे तय करें कि हाँ ये सही समय है अपना काम शुरू करने का? तो मैं इस बारे में बात करूंगी, लेकिन मैं जॉब वालों के बारे में भी एंड में जरूर मैसेज देना चाहूंगी। तो आई थिंक जैसे कि इन्होंने कहा, हिंदुस्तान, यूपी को ही देख लीजिए, एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है यूपी, और हिंदुस्तान तो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। तो अगले 10 साल में इस कंट्री में बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे ब्रांड्स खुलेंगे, तो ये सबके लिए अच्छी खबर है। अब अगर आपको कुछ नया शुरू करना है, अच्छी बात यह है कि अगले 10 साल के हिंदुस्तान में ऐसे 3 बिजनेसेस नहीं है जो अच्छे करेंगे, ऐसे 300 आइडिया है जो आप पकड़ सकते हैं। तो अगर आपको एक चिकन करी का बिजनेस करना है, क्योंकि मैं लखनऊ में हूं, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपको एक खाने का बिजनेस करना है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको एक टेक्नोलॉजी का बिजनेस है तो वो आप कर सकते हैं। मैं सबसे पहले कहती हूं, अगर आपको एक बिजनेस शुरू करना है तो कोई बड़े इनफ कस्टमर की नीड पकड़िए कि ये कस्टमर्स हैं, इनकी कोई नीड है, इसको मैं पूरा करना चाहता हूं। बड़े कस्टमर्स मतलब एक बड़े कस्टमर सेगमेंट। ऐसा प्रॉब्लम मत सॉल्व करिए जो 2 लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करिए जो काफी बड़ी पॉपुलेशन को इंटरेस्टिंग लगे, और उसके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करिए। और ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको भी मजा आना चाहिए, नहीं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू नहीं कर पाएंगे। और उसके अराउंड कस्टमर से बातें करिए, फिर अपना प्रोडक्ट बनाइए। हम इतनी कंपनीज को देखते हैं, हम देखते हैं कि लोग प्रोडक्ट पहले बना लेते हैं, कस्टमर्स से बातें नहीं करते। तो अपने मार्केट को जानिए, कस्टमर्स को जानिए, उनसे बातें करिए, और फिर एक प्रोपोजिशन लाइए। दूसरी बात, आमतौर से जब लोग धंधे की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो उन्हें लगता है फंडिंग कैसे मिलेगी, पैसे कैसे मिलेंगे। आज के हिंदुस्तान में जो कैपिटल है, इसकी कमी नहीं है। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आपके पास आइडिया अच्छा है तो लाइन लगेगी आपको लोगों से पैसे लेने की। और तीसरा, आई थिंक एक बिजनेस करना है तो उसे धीरे धीरे बढ़ाना बहुत जरूरी है। बिजनेस ओवरनाइट नहीं बनता। आई टेक द एग्जांपल ऑफ लूलू ग्रुप, ये एक ओवरनाइट सक्सेस हो नहीं सकता। मेरे को काम करे हुए 20 साल हो गए हैं। तो बिजनेस एक लाइफ टाइम का काम है, तो धीरे धीरे बिल्ड करना बहुत जरूरी है। मैं एक और बात लेकिन कहना चाहूंगी कि आजकल अनफॉर्चुनेटली ये एक फैशन हो गया है कि अगर आपने अपना स्टार्टअप नहीं किया, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपने कुछ नहीं किया लाइफ में, एंड नौकरी को थोड़ा बुरा माना जाता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप अपनी कंपनी शुरू कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सक्सेस वैल्यू बिल्ड करना है। चाहे अगर आप एप्पल का आज सीईओ देखें, HDFC का आज सीईओ देखें, उन्होंने कंपनियां शुरू नहीं की, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत दिया है। तो जो नौकरी कर रहे हैं वो निराश ना हो, ये भी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग खुश हुए होंगे ये बात सुनकर, जिन्होंने पहली बार में हाथ उठाया था, चले गुड। तो मोटिवेशन का टॉनिक मैंने शुरू में ही प्रॉमिस किया था कि आता रहेगा बीच बीच में। आसिफ जी, हमने ये बात कर ली कि जो लोग जॉब छोड़कर बिजनेस में आना चाहते हैं उनके लिए शुरुआती चीजें क्या हो सकती हैं, लेकिन बहुत बड़ा रोल तो कॉन्फिडेंस का भी है, बहुत बड़ा रोल इस बात का भी है कि हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे रिजेक्शन आए, तकलीफें आए, प्रॉब्लम्स आए। इस पर मुझे लगता है आपकी टिप्पणी में जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने जिस तरह के संघर्ष झेले हैं जीवन में, और उसके बाद भी आपने जो अचीव करके दिखाया है वो एग्जांपलरी है। Fantastic. So again, I'd like to share a small story. I think जब मैं 16 साल का था तो मुझे सिर्फ 50% दिखती थी। मैं स्कूल में लार्ज प्रिंट जो आप जेरोक्स करेंगे तो उसका 200% 250% तब मुझे दिखता था। बट आप एक इमेजिन करें कि आप एक रूम में हैं और अचानक से बहुत तेजी स्पीड से एक लाइट बल्ब जल रहा है और वो लाइट बल्ब बुझ गया, और बुझते बुझते एकदम अचानक से पूरा अंधेरा हो गया। बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ हुआ। पहले तो मैं, मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। पहले तो मैं डिनायल में था एब्सोल्युटली कि ये हो ही नहीं सकता मेरे साथ। मेरे साथ अल्लाह ताला इतना बुरा तो कभी नहीं कर सकते, ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे सब लोग समझाने की कोशिश किया कि भाई तुम अभी भी सरवाइव कर सकते हो बिना आंखों के, बट मुझे लगा कि ये लोग सब बकवास कर रहे हैं, सब ज्ञान मार रहे हैं, और शायद अल्लाह ताला पूरा कोई करिश्मा करेगा और मेरी आंखों की रोशनी फिर से आ जाएगी, कोई एक जरूर मिरेकल होगा। लेकिन ये वो मिरेकल कभी होता नहीं रहा।
हमारे टीचर्स जो हम उस टाइम में सॉफ्टमोर ईयर थे हमारे अमेरिका में, वहां पे स्पेशल टीचर थे जिन्होंने हमें कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई आसिफ तुम्हारे आंख नहीं है पर तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, करोड़ों लोग हैं दुनिया में जो बहुत अच्छा करे हैं बिना आंखों के, पर मुझे कुछ भी नहीं करा। उसने बहुत कुछ सिखाने की कोशिश किया पर मुझे लगा कि एक मिरेकल जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं वो शायद होगा, लेकिन मिरेकल हुआ नहीं। मेरी मॉम जो अमेरिका में है, जो वाइट अमेरिकन है, उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की कि आसिफ तुम्हारी आंख नहीं है पर तुम्हारे पास बहुत ब्यूटीफुल ब्रेन है, तो तुम उसी का मोस्ट यूटिलिटी आउट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज यू हैव, जो आपके पास है उससे बहुत वंडरफुल करने की कोशिश करो। लेकिन तब भी मैंने नहीं समझा, मेरी इतनी हालात बुरी हो गई कि मैं डिप्रेशन में चला गया। मुझे लगा कि अब जीने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं ये सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। मेरी सुसाइडल थॉट्स भी आए, अटेम्प्ट भी किया, फेल हुआ थैंक गॉड। और मुझे एक दिन टीचर, मेरी जो स्पेशल टीचर थे, वो इरिटेट होके एक ही बात बोले, आसिफ तुम्हारे पास दो चॉइस है, चॉइस ए तुम चाहे अपने ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट करो और कुछ मत करो और जिंदगी भर मिजरेबल रहो, चॉइस बी चाहे तो तुम एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी ब्लाइंडनेस आ गई है और स्किल्स सीखो, हुनर सीखो जो तुम्हें फिट फॉर फ्यूचर, जो अभी हम लोग बात करते हैं हमें तब 1993 में सीखा, और तुम सारी चीज सीखो और अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट करो। न जाने वो कैसी वो क्लिक कर गया और हमने उसी वक्त हमने समझा कि नहीं हमें आगे बढ़ना है। हमने उसी वक्त हमने कम टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, कंप्यूटर लैपटॉप्स हमने चलाने सीखे, टॉकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हमने बहुत कुछ स्किल्स सीखे, कैसे रोड क्रॉस करना है, कैसे खाना बनाना है, कैसे कुछ करना है, बिकॉज मेरा एक ही मकसद था कि मुझे आइडेंटिटी क्रिएट करना। और आपने वीडियो देखा है या ना देखो, हमने फिर भी अपने अपने मुल्क अपने हिंदुस्तान के लिए इतना कॉन्ट्रीब्यूशन करा, ये सिर्फ आप आत्मविश्वास का ही भरोसा है। थैंक यू, जय हिंद। बहुत सुंदर आसिफ जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी जो भावनाओं से जुड़ा है, जो इस बात से भी जुड़ा है कि समाज से अगर एक तिरस्कार मिला तो क्या कई बार सोच बदलने के लिए कुछ एग्जेम्पलरी कदम उठाने की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करूं, इससे पहले जो लोग डिसेबल थे या जिनको शरीर में दिक्कत थी उनके लिए दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया जाए, ये सोच समझकर एक डिसीजन लिया गया। आपको लगता है कि इसने, इस फैसले ने समाज के सोचने के तरीके को बदला कुछ हद तक, या जो लोग हैं जो इस तरह के बॉडी टाइप में हैं या जिनको ऐसी कोई दिक्कत है उनके लिए ये फैसला उनको मजबूत करने वाला या स्ट्रेंथन करने वाला या समाज में उनकी स्थिति को बेहतर करने वाला था? आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, मैं बहुत ही ईमानदारी से जवाब देना चाहूंगा, टर्मिनोलॉजी कितनी भी चेंज कर दे लेकिन आम जनता की सोच, सॉरी टू से दैट, बदलने में बहुत वक्त लगेगा। आज मैं अमेरिका के, आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं बिकॉज आई स्ट्रांगली फील कि हमें अपनी सोच की, सोच बदलने की जरूरत करती है। आज अगर मैं अमेरिकन फ्रेंड के साथ चल रहा हूं, राधिका जी, आई थिंक यू कैन अप्रिशिएट दिस, वो हमें सब कुछ ऑडियो डिस्क्राइब करेंगे। अभी आप चल रहे हैं, एक स्पीड बम्प आने वाला है, पैदल उठाइए तो चलिए, और अभी आप एक गार्डन में बड़ी खूबसूरती से, तो मुझे भी एक इमेजिन हो रहा है कि मैं कहाँ पे रहूँ, और वो बात भी करते हुए जा रहे हैं, यू नो। और अगर मैं वही चीज एक अपने दोस्त, अपने हिंदुस्तानी दोस्त के साथ जाऊं, तो वो बहुत बार ऐसा है कि नीचे स्टेप्स भी हो वो भी ना बोले, और वो भी एक स्पीड बम्प हो वो भी बोलना भूल गए, और मैं शायद बम्प भी कर जाऊं। मेरा ये मतलब नहीं है कि हम लोग केपेबल नहीं है, अभी हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, कल्चर अभी हमारी ये डीएनए में आया नहीं है, वक्त लगेगा, बट आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट, वी आर इन द राइट डायरेक्शन। संवेदनशीलता की आप बात कर रहे हैं, सेंसिटिविटी की, वो और उसको और गहराई तक जाने में समय लगेगा। राधिका जी, आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे, बिकॉज़ वो जिक्र कर रहे थे आप यूएस में रही हैं। बहुत बहुत गहराई की बात है, एंड
यहाँ तो बहुत सारी लेडीज खासकर बैठी होंगी, एंड ऐसी कोई लड़की नहीं होगी हिंदुस्तान में जो जिसको या तो ऑफलाइन किसी ने कहा होगा तू पतली ज्यादा है, तू मोटी ज्यादा है, तेरी लुक्स ऐसी है, तेरी शक्ल ऐसी है। आपने मेरी रील्स का जिक्र किया, हमें तो एज विमेन आदत हो गई है कि हमारी इंटरनेट पे कोई फोटो आएगी तो उस पर 10 लोग अच्छी बातें करेंगे लेकिन 5 लोग हमारी शक्ल पे बात करेंगे। इनफैक्ट देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट फ्यू इयर्स अगो, जब 6 म्यूचुअल फंड सीईओज के बारे में कुछ आर्टिकल छपा, काम के बारे में, निवेश के बारे में आर्टिकल था, 5 लोग आदमी थे, एक औरत थी, लेकिन मेरी आंखों में जरा सा स्क्विंट है तो 2 लोगों ने मेरी स्क्विंट के बारे में बात करना शुरू कर दिया। तो एक सेंसिटिविटी की तो हम सब में बहुत जरूरत है, और ये चेंज होगा स्टोरी टेलिंग के साथ। जैसे ऐसे लोगों की कहानियां, जैसे बातें आएंगी बाहर, लोगों में थोड़ी सी सेंसिटिविटी आएगी कि भाई खामियां तो हर इंसान में होती हैं। तो मैं आपको राधिका जी थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगी, क्योंकि जो आपने पॉइंट यहाँ पर उठाया ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी महिलाओं को और लड़कियों को मैं इस वक्त देख रही हूँ हमारी ऑडियंस में भी। आपने कहा कि कैसे हमारे लुक्स पर कॉमेंट होते हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, जिस तरह का एम्प्लॉय शायद वो हायर करना चाह रहे हैं, हम उनके पैरामीटर्स में फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं लुक्स के मामले में। और इसमें अगर मैं एक बात और भी जोड़ दूं कि अगर आपका प्रेगनेंसी का टाइम है, करेक्ट, प्रेगनेंसी के बाद जो लीव मैटरनिटी लीव्स है उसका टाइम है, ये सारे क्राइटेरियाज कैसे एक महिला की ग्रोथ को कॉर्पोरेट में आज के दौर में या आज के दौर में भी प्रभावित कर रहे हैं क्या, या कुछ बदला है या नहीं है, इस पर आपका एक्सपीरियंस क्या है? और मैं चाहूंगी कि जरूर आप अपने स्ट्रगल वाले टाइम के कोई इंसिडेंट कोट करें। देखिए मेरा 18 महीने का बच्चा है तो, और मैं प्रेग्नेंट थी जब मैं एक सीईओ थी, काफी 1,00,000 करोड़ की कंपनी की सीईओ थी, एंड आमतौर से हिंदुस्तान में बच्चे जल्दी होते हैं। आई हैड अ चाइल्ड जब मैं 29 साल की थी, विच इज क्वाइट लेट। तो मुझे तो बहुत घबराहट हुई कि लोग क्या कहेंगे, इम्पैक्ट क्या होगा, बट आई विल टेल यू कि आपको भी घबराहट हुई, बहुत सीईओ होते हुए भी घबराहट हुई, क्योंकि मुझे और कोई सीईओ का एग्जांपल नहीं मिला। मैंने कहा कोई एग्जांपल ही नहीं है, लेकिन आई टेल यू मेरा प्रेगनेंसी का दौर और उसके बाद का दौर मेरे करियर का सबसे खूबसूरत पीरियड रहा है, एंड ऑफकोर्स मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं 2-3 सलाहें देना चाहूंगी। एक तो इसको एक अंग्रेजी में शब्द है ग्लास सीलिंग, जो महिलाओं के लिए यूज किया जाता है उनके करियर के लिए, खासकर मैटरनिटी। ग्लास सीलिंग कभी कभी होती है, लेकिन सबसे बड़ी ग्लास सीलिंग ना हमारे दिमाग में होती है। तो कॉन्फिडेंस खुद में आना चाहिए। बिलीव मी, मेरे एक बॉस ने मेरे से एक बात कही थी कि प्रेगनेंसी आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखता है, लेकिन 6 महीने ऑफ आपकी करियर में बहुत मायने नहीं रखता। तो आप इसको बोझ, प्रॉब्लम पहले दिमाग में सोच दो, क्योंकि मुझे लगता है दुनिया वैसे हमें देखती है जैसे हम खुद को देखते हैं। तो अगर हम खुद कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, हेल्प मांगेंगे इस दौर में, तो लोग हमें हेल्प करने आएंगे। मैं भी 350 लोगों की कंपनी चलाती हूँ, और एक अच्छी महिला अगर प्रेगनेंसी के दौर में कंपनी से सपोर्ट मांगेगी, आई प्रोमिस यू हम देंगे। दूसरा, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, होता है, ये बहुत जगह होता है, अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट बीइंग अ सीईओ आउटसाइड माय कंपनी मेरे साथ भी हुआ है। जब आपके साथ होता है आप प्लीज आवाज उठाओ, प्लीज आवाज उठाओ, चुप मत रहो। आपको आवाज दिया, आप आवाज उठाओ और कोई आज की तारीख में आपकी आवाज सुनेगा। चलिए मैं एक एग्जांपल कोट करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं डिफर कर रही हूँ आपके स्टेटमेंट से। एक फीमेल एम्प्लॉय जॉब के लिए जा रही है, और कंसिडरिंग हर एज, इफ शी इज इन हर 28, 29, 30 ऑफ एज ग्रुप, और अगर जो टीम उसे हायर करने के लिए बैठी है उन्हें ये लगता है कि प्रोबेबली अगले 1-2 साल में इनकी शादी होगी, प्रोबेबली शादी होगी तो फिर 1-1.5 साल बाद बेबी वाला टाइम आएगा, और उसके बाद फिर मैटरनिटी लीव, और फिर इनिशियली नेक्स्ट 3-4 ईयर्स मदर और बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखते हुए कई बार उस लड़की को हायर किया जाएगा नहीं किया जाएगा, पॉइंट वन डिसीजन का फैक्टर होता है। पॉइंट टू, अगर, और ये मैं आपको बिल्कुल जो एग्जांपल्स हमने अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखे हैं उससे रिलेटेड बता रही हूँ, ये भी देखा जाता है अगर उस पर्टिकुलर साल में उनका अप्रेजल आने वाला है लेकिन वो अप्रेजल इसलिए नहीं दिया जाता कि इस साल में तो प्रेगनेंसी आ जाएगी, मैटरनिटी लीव आ जाएंगी और ये 6 महीने गायब हो जाएंगी सीन से, तो शी डजंट डिजर्व अप्रेजल एज ऑफ नाउ। जब ये, एंड आई थिंक बहुत सारी लड़कियां जो यहाँ बैठी हैं, आप लोगों ने ऐसे इंसिडेंट्स अगर देखे हैं तो प्लीज जस्ट रेज द हैंड्स जी। तो जब इस तरह की घटना अगर आती है सामने,
ऐसी हैं, उसके लिए समाज और हमारा देश और हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर कैसे बदलेगा? देखिए ऐसे कंपनीज हैं, ऐसे मैंने भी एग्जांपल सुने हैं, लेकिन मैं लाइफ में थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। ऐसी कंपनीज हैं जहां बहुत भेदभाव होता है, ये आपने जो सब बताया ये मैंने भी सुना है, लेकिन ऐसी भी कंपनीज हैं जहां ये नहीं होता। और दुनिया में आई टेल यू आर एग्जांपल, हमारे यहाँ लोग मुझे जानते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ रिस्क ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, सारी विमेन है। ऑल फोर ऑफ अस हैव बिकम मदर्स इन आवर टेन्योर एज CXO, और हम अच्छी खासी, इनफैक्ट हमारे यहाँ, एंड मे बी इट इज बिकॉज वी आर दैट काइंड ऑफ कल्चर। आपने अप्रेजल की बात की, अप्रेजल छोड़िए, किसी एम्प्लॉय का बोनस भी अफेक्ट नहीं होता प्रेगनेंसी वाले साल में। तो ऐसी भी कंपनियां होती हैं, और उसका एक ही सोल्यूशन है, जैसे और लेडीज कॉर्पोरेट सेक्टर में आएंगी वैसे ही वो कल्चर बदलेगी। सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? इनफैक्ट लास्ट थिंग आई विल से, इस साल हम विमेन्स डे पे लेडी वर्कर्स को कह रहे हैं अपनी सास को ऑफिस लेके आइए, अपने सास कि सास भी तो देखे लड़की क्या करती है, थोड़ा उसके काम की इज्जत हो। लवली लवली, वी हैव आल्सो 30% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल स्टाफ, सो वी आर गिविंग दैट पीरियड व्हिच दे आर जस्ट गेटिंग प्रेगनेंसी एंड 6 मंथ सैलरी वी आर गिविंग एंड 6 मंथ वी आर जस्ट कंसीडरिंग अगेन दैट इंक्रीमेंट इज देयर, यू नो दैट वी आर प्रोवाइडिंग देम, देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी इज देयर। आपको ये लगता है कि जो महिलाएं आपके यहाँ काम कर रही हैं, जो फीमेल वर्क फोर्स है, वो कैसे आपके सेटअप को, आपके कॉर्पोरेट सेक्टर को, आपके पूरे प्रोफाइल को वो कैसे स्ट्रेंथन करते हैं? डेफिनेटली, बिकॉज यू नो विदाउट लेडीज नथिंग विल हैपन। जैसे उन्होंने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं, जैसे आप कुछ काम देते हैं तो दे आर डेडिकेटली दे आर डूइंग देयर वर्क। Even though many is also doing the work, I'm not highlighting that many is not doing, but female staff is doing excellent work. चलिए बहुत अच्छी बात है कि इस मंच से जब बात हो रही है तो जो अच्छा हो रहा है या होने की आगे और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटीज हैं उनका भी जिक्र आ रहा है, और यही हमारी कोशिश भी है इस संवाद के जरिए कि इस तरफ की बात और इस तरफ की बात एक मंच पर हो, ताकि एक बड़े मैसेज के रूप में चीजें जाएं। जी मैं उसको पहले एक बात कहना चाह रहा है आशीष जी से। आसिफ साहब, मैं आपके साथ बैठा हुआ था, जैसे आपने बोला था अंग्रेजी लोग ने आपने हेल्प किया है, जैसे द मोमेंट आई नो दैट यू नो योर स्टिक इज बिहाइंड यू, देन आई विल जस्ट स्टार्ट टॉकिंग विद यू, दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज ऑन गोइंग ऑन, दिस पिक्चर इज इजंट इट। आपने आपने अभी जो बताया जो अंग्रेजी लोग ही आपको हेल्प कर रहे हैं, ऐसे नहीं है आपके स्टिक सामने रखा हुआ है, तब तो आपको उनका जेनरिक स्टेटमेंट नहीं है, समाज पर टिप्पणी नहीं थी, लेकिन एक उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा कि ये चीज मैंने वहाँ ऑब्जर्व, व्हेनेवर ही इज वॉकिंग इन द अब्रॉड even hump is there, you know, they will just indicating you to please as if be careful, right then this time no, also I just sir, again see the whole idea that I'm sir I mean I hope many people are like you sir, then it would make my life very simple. Exactly, and you are exactly. Just an example, but unfortunately I would love to say it is an it is a common, and I hope it will be in the next 5, 7, 8, 10 years, you know, but the ground reality is right now we're still in evolving phase. Asif ji, India badlenge kyunki double engine ki sarkar chal rahe tab to aage badhega hi badhega, isliye to all together we are here. Chaliye yahi yahi prayas hai samaj ka. I just like to add to that, dekhiye aaj jaise CM sahab ne kaha aur bahut achhi baat kaha, sirf sarkar ki zimmedari nahi hoti hai hamare Hindustan ko badalna, hum nagrik ki bhi zimmedari hoti hai ki hum Hindustan ko badalna, aur hum nagrik ko बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, अपना अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का। एक जिम्मेदार नागरिक एक जिम्मेदार देश और बड़े देश के लिए सबसे पहली इकाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस मंच पर आने के लिए और अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के जरिए इस कॉन्वर्जेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और मैसेजेस देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।